खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। गृहमंत्री बाला बच्चन ने कहा कि कमलनाथ सरकार माफिया को चुन चुन कर बाहर निकालेगी और मध्य प्रदेश को माफिया मुक्त बनाएगी। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या कमलनाथ सरकार केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है, इस पर गृहमंत्री ने कहा कि माफिया के खिलाफ जो भी कार्यवाही हो रही है, भाजपा के कार्यकर्ता यह स्पष्ट करें कि यह कार्यवाही गलत है। यह जो कार्यवाही हो रही है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर में माफियाओं के खिलाफ जो कार्यवाही हुई है, जिनको यह गलत लगती है वह इस कार्यवाही को गलत साबित करें, स्पष्ट करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिसने भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश की है, यह कार्यवाही केवल उनके खिलाफ की गई है। इंदौर, भोपाल और ग्वालियर की जनता इस कार्यवाही से खुश है, प्रसन्न है। वहीं उन्होंने बताया कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध चलाया जा रहा है और पूरे मध्य प्रदेश के वातावरण को शुद्ध करने के लिए निरंतर इस तरह के कार्य किए जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अगर ऐसा होता, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसा होता तो हम कार्रवाई की शुरुआत ही नहीं करते। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से मध्य प्रदेश में शुद्ध के लिए जो युद्ध चल रहा है, ऐसे ही पूरे मध्य प्रदेश में व्यापक सुरक्षा वातावरण शुद्ध करने के लिए भी युद्ध है ये, और ये निरंतर जारी रहेगा। और हमने हमारे इरादों को स्पष्ट कर दिया है कि जो भी अपराधी हैं वो अपराध की दुनिया से मुक्ति हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश अपराध और गुंडों से मुक्त प्रदेश हो। हमारी लाइन स्पष्ट है, इसलिए अपराधियों को इस बात को समझ लेना चाहिए कि इसके पहले जो भी हो गया, धग्गा चल गया, अब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हमारी कार्रवाई से और माननीय आदरणीय कमलनाथ जी की कलम से कोई बच नहीं पाएंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग लोकसभा के चुनाव के पहले लगभग 20 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। और दूसरी बात, हमने बोली थी कि किसानों की बिजली के बिल हम हाफ कर देंगे, उसको हम 1400 रुपये पर हसपावर बिजली जो पूर्व की सरकार में थी उसको हम 700 रुपये पर हसपावर हमने कर दी है। इंदिरा गृह ज्योति योजना के अंतर्गत हमने 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देने की बात की थी, उसको हमने कर दिया है। और उसके बाद पेंशन 1000 रुपये बढ़ाने की हमने बात कही थी, 300 से 600 हमने कर दिए। मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह जो होते हैं उसके 51000 रुपये हमने जो कर दिए। ऐसी लगभग जो हमने जो पिछले विधानसभा चुनाव में जो वचन दिए थे, काफ़ी वचनों पर हमने जो काम किया है और इससे स्पष्ट कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हमने जो वचन दिए उन पर हमने काम किया है। और अब 17 तारीख को अभी तक जितना जो काम और जितने वचनों को जो पूरा किया है, 17 तारीख को कल 1 साल पूरा हो जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी की ओथ और शपथ लेने का। उस दिन पूरा प्रोग्राम और पूरी जानकारी और पूरी उपलब्धियां आप लोगों को मिल जाएगी, पता चल जाएगी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।